नहीं बना के बोल रहा, ऐसे बना लीजिए। कांग्रेस सेवा दल महिला दिल्ली महिला दल। दिल्ली की राजकुमारी ने राहुल गांधी को गिफ्ट किया चार मंजिला आलीशान घर, देखकर दंग हो गई दुनिया। जी हां, आपको चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला को खाली करने के बाद नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मेरा घर राहुल गांधी का घर के नाम से कैंपेन चला रहे। इस बीच दिल्ली की रहने वाली राजकुमारी गुप्ता ने मंगोलपुरी में अपना चार मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का अपना सरकारी आवास 22 अप्रैल तक खाली करना होगा। 27 मार्च को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें एक नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक अपने इस सरकारी आवास को खाली करने को कहा था। राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस में यह कहा गया था कि लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इसलिए 17वीं लोकसभा के सांसद के तौर पर उन्हें अलॉट किए गए 12 तुगलक लेन के सरकारी आवास में अब वह सिर्फ अधिकतम एक महीने यानी 22 अप्रैल 2023 तक ही रह सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि उनको आवंटित किए गए इस सरकारी आवास का आवंटन 23 अप्रैल 2023 को 23 से रद्द किया जाता है। इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल 2023 तक अपना यह सरकारी आवास खाली करना होगा। बता दें कि 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दे दिया था। राहुल गांधी को गुजरात की अदालत की ओर से साल 2019 के मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने पर उन्हें 2 वर्ष की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की रहने वाली राजकुमारी ने उन्हें आलीशान बंगला गिफ्ट किया, उसके बाद से पूरी दुनिया दंग और हैरान रह गई है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट। नहीं बना के बोल रहा, ऐसे बना लीजिए। कांग्रेस सेवा दल महिला दिल्ली महिला दल।